हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका वासोलिया। स्वागत है आपका हमारे किचन में। आज हम बनाएंगे हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी पालक पनीर। अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों को पालक पसंद नहीं होती, पर हेल्दी होने के कारण हमें इसको खाने में किसी भी तरीके से शामिल करना चाहिए। आप भी पालक की ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाइए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पालक पनीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए पनीर, जो मैंने घर पे बना हुआ लिया है। पनीर कैसे बनाएं उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे मैंने एक बंच पालक का लिया है, फिर 2 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बड़ी साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून मलाई, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई। फिर मैंने लिया है तमालपत्र, दालचीनी और लौंग, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून हींग, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, स्वाद अनुसार नमक, ऑयल 3 टेबलस्पून और बटर 1 टेबलस्पून। बटर की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकती है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके एक बर्तन में पानी उबालने के लिए रख दिया है। पानी गर्म होने लगे तब उसमें पालक डाल दूंगी। तो पालक को हमें 2 से 3 मिनट तक गर्म पानी में पका लेना है, यानी कि ब्लांच कर लेना है। जब तक पालक हमारी ब्लांच हो रही है, पक रही है, तब तक दूसरे बर्नर पर हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और उस पे रखेंगे एक कढ़ाई, और उसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल, और फिर उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून बटर, आप चाहे तो घी का यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा। जीरा जब क्रैक होने लगे तब उसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून हींग, और अब इसमें तमालपत्र, लौंग और दालचीनी डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर उसमें डालेंगे गार्लिक की पेस्ट और बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालकर उसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ ऑनियन, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। तो गैस की दूसरी साइड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुकी है, पालक अच्छे से ब्लांच हो चुकी है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और पालक को गर्म पानी में से निकाल देंगे और उस पे डालेंगे ठंडा ठंडा पानी। और अब हम इस पालक को मिक्सर बाउल में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर उसकी पेस्ट बना लेंगे। अब दूसरी साइड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। मेथी को मैंने हाथों के बीच में मसल कर डाल दिया है, तो अब फिर से उसे मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक मेथी को पकने देंगे। तो अब आप देख सकती हैं कि हमारी पालक की पेस्ट भी रेडी है एक साइड पे, और एक साइड पे ये मेथी भी पक रही है। तो चलिए अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और फिर से उसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे।
तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा बबल्स होने लगा है और ऑयल थोड़ा सा ऊपर आने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले जो मैंने कहा था, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाले को भी थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम पालक की पेस्ट, और पालक की पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके उसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो 3 मिनट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं पालक भी काफ़ी हद तक पक चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और फिर इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मलाई, और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर, तो यहाँ पे मैं पनीर को ऐसे ही डाल दिया है। आप चाहे तो पनीर को सेलो फ्राई भी कर सकती है। तो अब 2 मिनट के लिए सब्जी को पकने देंगे। 2 मिनट हो चुकी है, यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं तैयार है हमारा पालक पनीर। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।